है तेरा नया सीआई? कहाँ है? बोल। ए। पुलिस वाला है कि कोई फिल्म का हीरो है तू? हिम्मत है तो तेरी हीरोपंती मुझे दिखा। इसे कहीं ढक कर रख देना, इस पर डस्ट नहीं पड़नी चाहिए। सर ने वॉच उतारा, समझो मैच शुरू होने वाला है। शुरू हो गया है? कैसे लोग भेजे हैं दामोदर ने, कितने डरे हुए हैं सबके सब। अरे कोई तो आ जाओ। ये सब देखोगे तो परेशान हो जाओगे। आंखें बंद करो और बस कूद जाओ यार। यही पूछा था ना? पुलिस मतलब हीरो। वो देख, वो है हीरो। देख हमारे हीरो को, देख हम सबका हीरो है वो। देख मैं तेरे दामोदर भैया को बहुत जल्द लटकाने वाला, जाकर उससे कहना। प्यारे भैया, सीआई साहब सीनू फिरंगी संपंगी के लिए नहीं आए हैं और ना ही मेरे लिए। हमारा जो चिल्लर बिजनेस था उसे जैसे धीरे धीरे उन्होंने सीज कर लिया है ना, वैसे ही आपका ड्रीम प्रोजेक्ट बंद करके आपका किस्सा खलास करने वाले हैं वो। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आप में हिम्मत है तो ट्राई कर लो। ये मुझे मार सकता है ना मैं इसे मार सकता हूं, क्योंकि मेरा भविष्य इसके पास है और इसका अतीत मेरे पास। We need each other. Let's go.
कचरा साफ करके बोर्ड लगा दो। चलो मिस्टर दामोदर, स्पेशल डिवीजन कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर टेम्परेरी स्टे लगाया है। देखिए दामोदर जी, जैसे कहा था ड्रीम प्रोजेक्ट बंद करवा दिया, अब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है आपको फांसी दिलवाना। ऐसे घूर क्यों रहा है, खा जाएगा क्या? विद योर परमिशन सर, प्रोसीड। ओए, तुझे क्या लगता है सर, यहाँ तेरी घटिया पर्ची सुनने आए थे? पुलिस, अब समझा हमारे डिपार्टमेंट की ताकत, अब एक एक से इज्जत से बात करेगा तू? हमें इमोशंस नहीं होता, फीलिंग्स नहीं होती, कंसीडरेशन नहीं होता, रिकमेंडेशन नहीं होता, ओनली एलिमिनेशन। जहन्नुम दिखा के रख दूंगा तुम जैसों को। राउडी हो या गैंगस्टर हो, टेररिस्ट हो या क्रिमिनल हो, तुम में से कोई नहीं बच पाएगा, बिकॉज वंस ही कॉन्सेंट्रेट्स काउंटडाउन बिगिंस। यार तेरी पोएम तो इससे भी अच्छी थी, आज के लिए इतना ही काफी है। एंड में कुछ ज्यादा ही नहीं सुना दिया यार शेखर, अगर वो तेरी स्पीच सुनकर मर गया तो फिर मैं किसे मारूंगा? का किया तुमने, मैं उसका शिकार करने वाला था और तुमने उसको भगा दिया। उस हिरन के पास अभी और भी वक्त है, पर तेरा वक्त खत्म हो गया। तेरी वजह से जिस कलेक्टर ने आत्महत्या की थी वो मेरा भाई था। आज तेरा किस्सा खलास। हमारा नहीं तुम्हारा। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले कभी ना कभी उसमें खुद गिर जाते हैं। तूने मेरे भाई की बदनामी करके उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। मैंने दामू के सामने तुझे बदनाम किया और वो सोचता है कि तू उसे मारना चाहता है। अब तेरे दिन भर गए, देखता हूँ कि मेरे बिछाए जाल से तू कैसे निकलता है। चेकमेट। पार्टनर्स के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने का सोच रहे ब्रोकर के प्लान ने काम किया या नहीं, लेट्स चेक इट आउट। फिल्म खत्म हो गई है। ये मिनिस्टर को ऐसे कैसे मार दिया यार? मर्डर तो आप ही ने प्लान किया था, अब आप ही पूछ रहे हैं। मैंने क्या प्लान किया? जरा ये सीन देख लो। उस नागराज को हटा देना चाहिए, सोचने की कोई जरूरत नहीं। कट ही इमीडिएटली। अरे मैंने शेयर कट करने के लिए कहा था, आदमी काटने के लिए नहीं। हमने जो मीनिंग समझा वो कर दिया। वीडियो कोर्ट देखेगी तो अरेस्ट करेगी, दामू देखेगा तो मार देगा। ऐसा कोई वीडियो नहीं है। तो ये वीडियो देखो। उस दामू और पार्टनर्स के बीच झगड़ा करवा के उनका शेयर भी मैं ले लूंगा। ये तो गलत बात है। वो लोग भी दूध के धुले हैं क्या? लालची कीड़े हैं और दामू तो उनसे भी बदतर है।
कितना चालू है रे तू? हाई बजट मूवी की तरह ऐसे एचडी वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया तूने? ये सिर्फ बैटरी बैकअप नहीं, ये है चार्जर प्लस टॉर्च प्लस MP3 प्लस अलार्म प्लस रिकॉर्डर। मतलब मेरा आईफोन मेरे खिलाफ यूज करके तुमने मुझे चीट किया, ये अन्याय है। अन्याय को पैंट शर्ट पहना दूं ना तो तेरी तरह दिखेगा, और जब मैंने रोका था तो मुझे कहा था अपने सजेशन अपने पास रखो। गलती तो इंसान से होती है ना। अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो ये वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा। क्या करना होगा सर? स्क्रिप्ट तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है सर, इसीलिए तुम्हें शार्प रहना होगा। मेरा नाम क्या है? एनकाउंटर शंकर। अब बताओ मेरा असली नाम क्या है? शंकर। एनकाउंटर शंकर, बी शार्प। प्यार से बड़ा डर होता है समीरा, और वो डर ही मुझे बचपन से भगा रहा है। वो लोग मुझे कब मार डालेंगे इस डर से उन्हें याद रखा है, लेकिन अपने मॉम डैड याद नहीं है मुझे। मां की ममता याद है लेकिन उनका चेहरा नहीं। बाप का प्यार याद है लेकिन वो दिखते कैसे थे ये याद नहीं। अब तो वो मेरी यादों में भी नहीं बचे हैं समीरा। इंतजार करता रहा, बचपन से इंतजार करता रहा कि कब बड़ा होकर उन तीनों को मार सकूं। आई अंडरस्टैंड, तुम अपने पेरेंट्स के बारे में जानने को कितने उतावले हो मैं समझ सकता हूं। तुम्हारे डैड का नाम था रघुराम, गोल्डन राइस गोल्ड। ये ओरिजिनल गोल्डन राइस नहीं है। मेरे डैड का नाम भी रघुराम नहीं था। ये तुम कैसे कह सकते हो?
जब तक मैं तुम्हारे मॉम डैड के बारे में सच नहीं बताता तब तक तुम मुझे मार नहीं सकते। मतलब ये फाइल असली नहीं है। ओके ओके ओके, ग्रेन्स कहाँ है ये बताओ। तुम्हारे मॉम डैड के बारे में मैं सब बता दूंगा। I'll tell all the truth about your parents, but where is the golden prize? Where is it? एक बात मेरी समझ में आ गई है। मैं ग्रेन दूंगा तो तुम मॉम डैड के बारे में बताओगे, उनके बारे में नहीं बताओगे तो मैं ग्रेन नहीं दूंगा। लेकिन हम दोनों के बीच एक और सच्चाई है। मेरे ग्रेन देते ही तुम मुझे मार डालोगे। तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नेवर एंडिंग प्रोसेस। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, दोनों में से किसी एक का कॉम्प्रोमाइज करना। तो वो कॉम्प्रोमाइज मैं करता हूं। मुझे मेरा अतीत नहीं चाहिए, यानी मैं तुम्हें मार डालूंगा। यू आर लाइंग। तुम्हारे मॉम डैड के बारे में जानने वाला सिर्फ मैं ही हूं। मुझे मार डालोगे तो तुम्हारा अतीत हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाएगा। तुम्हें नहीं मारूंगा तो डैड की इच्छा अधूरी रह जाएगी। अब तक मॉम डैड कौन है ये जानना मेरी जिंदगी का मकसद था, लेकिन आज से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना मेरा मकसद है। रुक जाओ। आई विल टेल यू द ट्रूथ। तुम्हारे डैड का नाम कृष्णमूर्ति है, वेलफेयर सीट्स में साइंटिस्ट। रविंद्र। तुम्हारे डैड का नाम रविंद्र है, नेशनल सीट्स में काम करते थे। प्लीज बिलीव मी, कृष्णमूर्ति नहीं, रविंद्र। जितनी कहानियां सुनाओगे सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारी हर कहानी में मेरे मॉम डैड शामिल हैं। पर हर कहानी में तुमने उन्हें मार दिया, इसलिए इस कहानी के अंत में मैं तुम्हें मारूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर मारना होता तो यहां वहां नहीं, यहां सीने में गोली मारते। यहां तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हें तुम्हारे मां बाप चाहिए, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हें मारना मेरे लिए नई बात नहीं है, पहले कई बार मार चुका हूं। तुम मर जाओगे तो क्या होगा ये भी जानता हूं, लेकिन मरने का दर्द तुम नहीं जानते। हाँ यार, सही कहा तूने, तुझे नहीं मार सकता। मुझे मेरे मॉम डैड चाहिए। मुझे जानना है वो कौन थे। अभी अभी तो मैंने मां के हाथों से खाया था, पापा की गोद में बैठा था। कहां चले गए अचानक वो लोग? सबने कहा वहम है। मैं रोया और आज तक रो ही रहा। बोलना यार, कौन थे वो दोनों? मुझे बताना वो कैसे दिखते थे। मॉम खूबसूरत थी ना, और डैड कैसे दिखते थे? मेरे जैसे थे ना, तूने देखा था ना। बताना, कुछ तो बताना यार। ओके बताता। पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल, मेरा बचना जरूरी है। अगर मर गया तो तुम ऐसे ही हमेशा रोते रहोगे। आई विल टेल एवरी टाइम थिंग। वेयर इज गोल्डन राइस? वेयर इज इट?
तेरे पार्टनर्स को तेरे हाथों मरवा कर वही एविडेंस बनाकर तेरे नाम का शूटेड साइट ऑर्डर लेकर आया हूँ मैं। ऑर्डर ना भी मिलता तो भी मैं तुझे मार देता, लेकिन लीगली मारने का मजा ही अलग है। तेरा किस्सा खलास। सब लोग सुनो, इसको मेरी आंखों के सामने मार के यहीं जला दो। जो चाहिए मैं दूंगा, तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा। असल में हमारे कलेक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी बीवी एक देवी थी, उनके परिवार की झूठी बदनामी करके उनके आत्महत्या का कारण मैं ही था। मैंने सबके सामने अपनी गलती मान ली है, अब तो मुझे छोड़ दो, मैं इस शहर को ही नहीं इस देश को छोड़कर चला जाऊंगा। डिसाइड तो अब डेमोक्रेसी करेगी। इसने जो हरकतें की हैं उसके लिए डिपार्टमेंट ने इसे पागल कुत्ते की तरह गोली मारने का ऑर्डर दिया है। अगर आप में से किसी को ये गलत लगता है तो हाथ उठाइए, मैं इसे छोड़ दूंगा। तुम्हारे पास 15 सेकंड्स है, ट्राई कर लो। अरे ये दिन दहाड़े मेरा एनकाउंटर कर देगा, कुत्ते की तरह मार देगा मुझे। हाथ उठा दो ना प्लीज। अरे गलती तो हर इंसान से होती है, कम से कम मुझे एक और मौका तो दो। हाथ उठा दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। बाजू हटो भैया। आ गए मेरे पार्टनर्स, आ गए, शाबाश। ए सीआई, एक हाथ उठेगा तो काफी होगा, कहा था ना मेरे पास तो 3-3 है। चलो हाथ उठाओ। हम तुम्हें यहाँ बचाने के लिए नहीं आए, हम तो बाय बाय कहने आए हैं। थोड़ी घूम चुकी है भैया। सर आपका दिया टाइम खत्म हो गया सर। सीआई साहब, मैं तो बेवकूफ इंसान हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की, लेकिन आपका दिल तो बड़ा है ना। किस्सा खल्लास।